क्या आप भी अपनी डेडिकेशन और पैशन से एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और उसे आने वाले टाइम में एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो मेजर तरीके बताऊंगा जिनको यूज करके कई स्टार्टअप जैसे फेसबुक, एप्पल, अमेज़न आज बहुत बड़े बिजनेस बन चुके हैं, जिनका मार्केट वैल्यूएशन आज कई देशों की इकोनॉमी से भी बड़ा हो चुका है। तो आइए मिलके आपका स्टार्टअप शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त भरत। मैं हूं एक एंटरप्रेन्योर, मार्केटर, बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए, और आपके लाइक्स और सब्सक्राइब भी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, जिससे मैं और रिसर्च करता हूँ और मेहनत करता हूँ, आपके लिए और यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आप अपना स्टार्टअप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, आपके पास क्या आइडियाज़ हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, आपका पैशन किस चीज़ में, एक स्टार्टअप में कैसे आपके आइडियाज़ को कन्वर्ट करा जा सकता है। हो सकता है आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हो, लेकिन आप उसमें से बेस्ट कैसे चूज़ कर पाओगे, आप उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना होगा और उसके एक सॉल्यूशन ढूंढना होगा। इन शॉर्ट मैं ये कहूँ तो आप कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, वो है वैल्यू प्रोपोजिशन। मतलब आप अपने कस्टमर या क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन दे सकते हो, इन शॉर्ट क्या वैल्यू दे सकते हो, आपका प्रोडक्ट परचेज करने से या आपके साथ बिजनेस करने से उसकी क्या नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं। आपने उबर का तो नाम सुना ही होगा, जिसपे कैब बुक करते डोर स्टेप पे गाड़ी आ जाती है। इसकी शुरुआत भी एक यूनिक प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन से हुई थी। इसके दोनों फाउंडर्स एक बार पेरिस में मिले थे और देर रात होने की वजह से उन्हें कोई कैब नहीं मिली थी, तो उनके दिमाग में एक ऐसी ऐप बनाने का आइडिया जिससे आप कहीं से भी किसी भी टाइम एक कैब बुक कर पाओ और वो अपने आप आपकी लोकेशन पे 5 से 10 मिनट में आ जाए। और आज हम सब जानते हैं ऊबर पूरी दुनिया में कितना बड़ा बिजनेस है। तो उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को समझा और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला, जिसने लोगों का टाइम भी सेव करा, एनी टाइम कैब बुकिंग की सर्विस मिली, डोर स्टेप उनकी गाड़ी आ गई, कैब बुकिंग में उनकी कंपनी की यही स्टार्टिंग वैल्यू प्रपोजिशन बनी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया आज अराउंड $159 बिलियन का बहुत बड़ा बिजनेस है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो है मार्केट रिसर्च, जो कि किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। जब आपके पास आपका बिजनेस आइडिया रेडी है तो आपको करनी पड़ेगी मार्केट रिसर्च। आपको अपने टारगेट मार्केट को, आपके कस्टमर्स की नीड्स को, आपके क्लाइंट्स को और अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में तेजी से ग्रो कर पाओगे। हो सकता है आपके बिजनेस में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स पहले से ही हो, तो ऐसे में मार्केट रिसर्च आपको अपने प्रोडक्ट को उनसे कुछ अलग डिफरेंशिएट करने में फायदा देगी। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप मार्केट रिसर्च करके एकदम कुछ नया प्रोडक्ट बनाओ जो सबसे बहुत ज्यादा अलग हो। यहाँ बस आपको अपने प्रोडक्ट को अपने कंप्यूटर से कुछ अलग करके दिखाना होगा। जैसे कोक और पेप्सी दोनों कोल्ड ड्रिंक मार्केट में है और ऑलमोस्ट सेम ही दिखती है, लेकिन पेप्सी ने मार्केट रिसर्च करके कोक से अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया। पेप्सी आज साइट्रस फ्लेवर में आती है और कोक थोड़ा वनीला कोला फ्लेवर में। इस तरह से दोनों ही ब्रांड सेम कैटेगरी के होके भी आज मार्केट में बहुत बड़े बन चुके हैं। किसी को कोक पसंद आती है तो किसी को पेप्सी, इसलिए आपको मार्केट रिसर्च पे भी ध्यान देना होगा ताकि आप कॉम्पिटिटर्स से कुछ अलग कर पाओ जो कस्टमर्स को भी पसंद आए, जिसे आपके कॉम्पिटिटर्स पूरा ना कर पा रहे हो। तो मार्केट को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ फ्लिपकार्ट का। 2007 में इसके लॉन्च से पहले फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने काफी मार्केट रिसर्च करी और उन्होंने पाया कि इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन रिटेल स्टोर्स बहुत कम है। ज्यादातर लोग हर चीज के लिए आसपास की दुकानों पर ही डिपेंड करते हैं और गांव के लोगों को तो कई प्रोडक्ट पता ही नहीं चल पाते या वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो उन्हें यहां से एक बिजनेस आइडिया मिला, शॉपिंग प्लेटफॉर्म बनाने का ऑनलाइन, जहां ऑनलाइन सेलर्स अपने सामान देश के किसी भी कोने के लोगों को दिखा सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये सब पॉसिबल हुआ फ्लिपकार्ट की इन डिटेल्ड मार्केट रिसर्च से। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, बिजनेस प्लान। आपने क्या बिजनेस करना है आपने सोच लिया, आपने अच्छे से मार्केट रिसर्च भी कर लिया, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को भी समझ लिया, प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो भी सोच लिया। अब आते हैं बिजनेस प्लान पे, जहां आप एक साल का बिजनेस प्लान बनाओ, अपने स्टार्टअप का मिशन और विजन बनाओ, अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करो कि किस एज के लोग आपका सामान खरीदेंगे, कौन से जेंडर के लोग आपके प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे, वो कहाँ रहते हैं, बड़े शहर में या छोटे शहर में या गाँव में। इससे आपको भी पता होगा कि किन लोगों को अपने
प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना है, साथ में आप अपने बिजनेस का एक फाइनेंशियल मॉडल भी डिसाइड करो कि आप कितना पैसा कहाँ खर्च करोगे, प्रोडक्ट बनाने में कितना पैसा, कितना मार्केटिंग के लिए, कितना बिल्डिंग के रेंट्स के लिए, कितना एम्प्लॉयज के लिए, या और भी दूसरे खर्चे। इससे आपको भी पता होगा कि आप अपने बिजनेस से कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो है अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करना। अब इस चीज को आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो। अगर आपके पास इनिशियली काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप प्रोडक्ट को खुद की फैक्ट्री लगा के मैन्युफैक्चर कर सकते हो, या अगर आप कम पैसों से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप किसी मैन्युफैक्चरर को ढूंढो, उससे उसके प्रोडक्ट्स ले लो। उन पे आपको अपनी कंपनी का लोगो और ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर वो सेम प्रोडक्ट्स कई और लोगों को भी बेच रहा होगा। यहाँ फिर काम आएगी आपकी मार्केटिंग की टेक्निक्स। इसी तरह के प्रोडक्ट्स को वाइट लेवल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो मैं एक नया शूज का स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो मैं कोई शू मैन्युफैक्चरर को ढूंढकर उसके शूज ले लूंगा, उनपे अपने लोगो लगा के मार्केट में उनको बेच दूंगा। बस इसके लिए मुझे अपने तरीके से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और जहाँ पर फैक्ट्री लगाने में आपके करोड़ों रुपए लग जाएंगे, वहीं पर आपका ये काम वाइट लेबलिंग करने से बस कुछ ही पैसों में हो जाएगा। एक और तरीका है प्राइवेट लेबलिंग, जिसे मार्केट में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, जिसमें आप अपने डिजाइन कर रहे प्रोडक्ट्स को किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनवा सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस वाइट लेबलिंग से महंगा है। तो इनिशियली जितने भी लोग कम पैसे लगा के अपना स्टार्टअप प्रेफर कर रहे हैं, मैं आपको वाइट लेबलिंग ही रेकमेंड करूंगा। और अगर आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा पहले से अवेलेबल नहीं है, तो आप प्राइवेट लेबलिंग को भी चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। प्रोडक्ट्स तो मैंने बना लिए, लेकिन इसे बेचूं कैसे? यहाँ पर आता है सेल्स और मार्केटिंग। अब मेरे शूज तो मैन्युफैक्चर हो गए, अब इन्हें बेचने की बारी है। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा आप अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचोगे। आप खुद की दुकान या स्टोर खोलोगे, या ऑनलाइन बेचोगे, अपनी वेबसाइट से, या अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से, या फिर सोशल मीडिया से। तो यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मार्केटिंग की वजह से आपके प्रोडक्ट्स के बारे में लोग जान पाएंगे, और सेल्स की टेक्निक यूज करके आप उनको अपने प्रोडक्ट्स बेच पाओगे। मार्केटिंग और सेल्स हमेशा साथ ही साथ वर्क करते हैं, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। इसको समझने के लिए हम बोट कंपनी का एग्जांपल समझते हैं, जिसके हेडफोन्स आज काफी लोग यूज करते हैं। उन्होंने इस हाईली कॉम्पिटेटिव ऑडियो मार्केट में अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से एक बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया। उन्होंने मार्केट की नीड्स को समझ के यूथ ऑडियंस को मेजरली शुरुआत में टारगेट करा था। अपने प्रोडक्ट्स को यूथ कल्चर, फैशन एंड म्यूजिक से लिंक करके मार्केट में अपनी ब्रांड इमेज बिल्ड की, और अपनी टारगेट ऑडियंस तक सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कैंपेन्स चला के, ऑनलाइन कम्युनिटीज बिल्ड करके अपनी कंपनी को इंडियन मार्केट का एक बड़ा ब्रांड बना दिया, और आज बोट का नाम मेजरली हर कोई जानता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें यूज करके आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करने का मन बना चुके हो, और आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेप्स जैसे सप्लाई चेन, बिजनेस ऑपरेशंस, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना, या इन 5 स्टेप को और डिटेल में जानना, या सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे रन करा जाता है इसकी और स्ट्रेटेजीज को समझना, तो अभी जाके कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। मैं इन टॉपिक्स पर भी डिटेल वीडियोस लेकर आऊंगा। आई होप ये वीडियो आपके स्टार्टअप जर्नी में बहुत काम आएगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करो, क्योंकि मैं अब बिजनेस स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग, ट्रेंडिंग टॉपिक्स से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आने वाला हूँ। सो तब तक के लिए अपने आइडिया पे वर्क स्टार्ट करो। प्लीज सब्सक्राइब।